कम बोलने की ताकत जान लो। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, वो लोग अक्सर कम बोलते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस कहावत पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा है आखिर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बहुत कम क्यों बोलते हैं? क्या कम बोलने से कोई सक्सेस हो जाता है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि समझदार और सक्सेसफुल लोग उतना ही बोलते हैं जितनी जरूरत होती है। मतलब वो लोग सब्जी में नमक के समान होते हैं, एक चुटकी बात बोलते हैं लेकिन उनकी एक चुटकी बात से पूरी सब्जी में स्वाद आ जाता है। महान दार्शनिक प्लेटो कहा करते थे कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास कुछ अच्छा कहने के लिए शब्द होते हैं, वहीं एक नासमझ इंसान बातों को तोड़ मरोड़ कर बस बोलता जाता है क्योंकि उसे बोलना होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला कम बोलने से समझदारी का क्या मतलब है। अगर आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल आ रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों समझदार लोग कम बोलते हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, दूसरों के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बिल्कुल शांत चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वाकई गजब का बोलते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंस भी यही कहता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कम बोलने वाले लोग ज्यादा इज्जतदार, समझदार, मैच्योर, अंदर से शांत, खुश और सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, ये बात पूरी तरह प्रमाणित है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटेलिजेंट होना क्या होता है? चलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने दिमाग पर कंट्रोल रखकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और ये लोग शांत रहकर नए नए आइडिया क्रिएट करना जानते हैं। टीचर्स की माने तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखना चाहते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे कभी भी आंसर शीट भरने पर फोकस नहीं करते, बल्कि अपनी बात को पॉइंट में कहना जानते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कम बोलने वाले इंसान ज्यादा सुनते हैं क्योंकि बातचीत के दौरान ये लोग कम बोलते हैं, इसलिए उन्हें सामने वाले की बात ज्यादा सुननी पड़ती है और यही बात उनके लिए प्लस पॉइंट का काम करती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम केवल वही चीज बोलते हैं जो हमें पता होती है, लेकिन जब सामने वाला बोलता है तो वो कुछ नया बोलता है। और जब सामने वाला ज्यादा बोलता है तो हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती है और यही अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हमें दूसरों से बेहतर बनाती है। न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, टेस्ला जैसे सक्सेसफुल लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं। नंबर 5, कम बोलने वाले लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं, इसलिए वो कभी भी ऐसी बात नहीं बोलते जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, एक बात हम सबके साथ जरूर होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, कभी कभी वही चीज बातों ही बातों में मुंह से निकल जाती है जिसका पछतावा हमें बाद में जरूर होता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को कोई नई जॉब का ऑफर मिला है और एक्साइटमेंट में होकर वो इंसान अपनी जॉब और सैलरी के बारे में दूसरों को बता देता है, लेकिन अगर बाद में उसे किसी कारण से जॉब नहीं मिलती तो उसे पछताना पड़ता है। लेकिन एक समझदार इंसान कभी भी चीजों को पहले से नहीं बताता जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर उसे जॉब नहीं मिली तो उसकी जॉब के बारे में किसी को भी पता नहीं था और वो आराम से पहले की तरह जिंदगी गुजार सकता है। कम बोलने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो भीड़ भाड़ या फिर ग्रुप वाली जगह पर बहुत कम बोलते हैं ताकि उनके मुंह से कोई भी ऐसी चीज ना निकल जाए जिसका उन्हें बाद में अफसोस करना पड़े। नंबर 4, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इज्जतदार होते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि ज्यादा बकबक करने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं होते, वहीं दूसरी तरफ कम बोलने वाले लोग हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उनकी खामोशी में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, वहीं ज्यादा बकबक करने वाले लोगों से हर कोई दूर भागता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो बहुत ज्यादा बोलता है तो कई बार आप भी उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर उससे सामना हो गया तो वो अपनी बकबक से सिर पकाकर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ कम बोलने वाले लोगों के पास हर कोई बैठना पसंद करता है, क्योंकि हमें पता होता है ये इंसान जो भी कहेगा काम की बात कहेगा, और इसीलिए कम बोलने वाले लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा इज्जत पाते हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला को भला कौन नहीं जानता। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है।
नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया भर में अपने लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब भी वो अपने पिता के साथ किसी मीटिंग में जाया करते थे तो उनके पिताजी सबसे लास्ट में बोलते थे और बस काम की बात ही बोलते थे, लेकिन उनके पिताजी जब भी बोलते थे तो सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते थे और यही बात उन्होंने अपने पिताजी से सीख ली। नंबर 3, कम बोलने वाले लोग झगड़ा नहीं करते और अपना आत्मसम्मान बचा कर रखते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने दो लोगों को झगड़ते हुए देखा है? अगर आपने गौर से देखा हो तो वो क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता, बस एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं और सभी के बीच एंटरटेनमेंट का एक पात्र बन जाते हैं। ऑफिस में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जहां सबकी सोच अलग हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है जो घंटों तक चलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा इंसान कम बोलने वाले और समझदार आदमी से झगड़ा करता है तो वो कम बोलने वाला आदमी बिना कुछ बोले वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है ज्यादा बोलने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। अगर आप कम बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चीखता रह जाता है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और फिर वो खुद थक कर या शर्म से चुप हो जाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी झगड़ों में फंसता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा बोलने से ना तो कोई फायदा है और ना ही झगड़ा करने में इज्जत है। जब आपके ऊपर कोई व्यक्ति चिल्लाता है और आप बदले में चीखने के बगैर शांति से सुनते रहते हैं और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं तो आपके पास आपका सेल्फ वर्थ रहता है। आप अपना समय फालतू लोगों पर खर्च नहीं करते और अपनी शब्दों की वैल्यू बढ़ा देते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग आपको समझदार समझते हैं और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कम बोलने वाले लोगों को किसी की बात का बुरा नहीं लगता है या फिर चिल्लाने का मन नहीं करता, मगर वे झगड़ कर नहीं बल्कि बैठकर बातचीत करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जो लोग कम बोलते हैं वो एटीट्यूड में रहते हैं, उन्हें किसी बात का घमंड होता है, वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, मगर असल में इसका उल्टा होता है। रिसर्च के हिसाब से ये देखा जाता है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और उनके ज्यादा फ्रेंड्स भी होते हैं। दरअसल दोस्तों, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सिर्फ नाम की और बातचीत की दोस्ती रखते हैं। जैसे कि जब ज्यादा बोलने वाले लोग किसी से मिलते हैं तो पहली मुलाकात में ही वो खूब बातें करने लगते हैं और बस बोलते ही रहते हैं, जिससे सुनने वाला इरिटेट हो जाता है। मगर कम बोलने वाले व्यक्ति खुद बोलने की बजाय दूसरों को सुनता है और उन्हें समझता है, इसलिए लोग कम बोलने वाले लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं। उनकी दोस्ती नाम की नहीं होती। दोस्तों, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं तो एक कनेक्शन पैदा हो जाता है और ऐसे में बात करने के लिए और नाम की दोस्ती नहीं बनती, रियल फ्रेंड्स बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में बोलने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं मगर सुनने वाले बहुत ही कम, इसलिए कम बोलने वाले व्यक्ति को सभी चाहते हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग जब बोलते हैं तो सब लोग सुनते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों होता है, आखिर कम बोलने वाले लोगों की हर कोई क्यों सुनता है? दोस्तों, जब कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता है और किसी टॉपिक के ऊपर अपनी राय देने लगता है। वहाँ मौजूद जो भी व्यक्ति ज्यादा बोलना पसंद करते हैं वो भी बीच में अपनी राय रखने लग जाते हैं। ऐसे में सब कुछ मिक्स हो जाता है, मगर जो कम बोलते हैं उसे सुनने की आदत होती है, वो पहले सभी की बातों को सुनता रहता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता और जब सभी की बातें खत्म हो जाती हैं तब बिल्कुल लास्ट में वो अपनी राय बनाकर बोलना शुरू करता है। सबकी बातें सुनकर उसे नए नए आइडिया भी आ जाते हैं और जब वो बोलता है तो सब उसे सुनने लगते हैं, क्योंकि उसने किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया तो लोग उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में उसकी बातें सबसे आखिर में होती हैं जो सभी को याद रहती हैं और उन बातों की वैल्यू ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कम बोलने के कितने सारे फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप हंसी मजाक और मस्ती करना छोड़ दें और कम बोलने के चक्कर में चुपचाप रहने लगे। हर चीज का एक सही समय होता है। जब आप अपने ऑफिस या घर से बाहर हों तो इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी अपने घर, परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर एंजॉय करें और जाते जाते हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।